नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com का टॉप 20 बुलेटिन। पीएम मोदी आज रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला, चुनाव से पहले नोएडा को एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। यूपी में सीएम योगी ने जेवर में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आवंटित किए 3301 करोड़ रुपए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, एशिया का पहला और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया अपना रुख, कहा कानून व्यवस्था में नहीं बिगड़ने दी जाएगी। शीतकालीन सत्र में क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, आज सोनिया गांधी के घर होगी संसदीय दल की बैठक। देश भर में एक बार फिर 10,000 के करीब आए नए केस, 396 लोगों की हुई मौत। INS वेला के सामने दुश्मन होंगे पस्त, समुद्र में उतरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, भारतीय नौसेना को सौंप। बिहार में सीएम नीतीश की शराबबंदी पर बीजेपी के फिर उठे सवाल, विधायक ने कहा बर्बाद हो रही है नई पीढ़ी। महबूबा मुफ्ती ने दी मोदी सरकार को सख्त हिदायत, बोली कश्मीर रखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 370 को करे बहाल। सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे का बयान, कहा आतंकी समूहों को जगह नहीं देने की बांग्लादेश की कोशिशों से वाकिफ। ASEM शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सेंट्रल रेलवे ने दी बड़ी राहत, 50 की जगह फिर से 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। हरियाणा के फरीदाबाद में AQI का स्तर हुआ 999, दिल्ली में भी हवा बेहद खराब, संभल कर रहने की जरूरत। केजरीवाल सरकार ने हटाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगा दिया है कंस्ट्रक्शन पर बैन। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जहरीली गैस फैलने से मची दहशत, घटना में अभी नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि। यमुनानगर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, पिता और 3 बच्चों की मौत, महिला झुलसी। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुले, रिलायंस का शेयर सबसे ज्यादा फायदे। अमीरियत और दौलत के मामले में मुकेश अंबानी के करीब पहुंचे गौतम अडानी, बस एक कदम रह गया है मुकेश अंबानी से भी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में भारत को लगा पहला झटका, 13 रन बनाकर आउट हुए मयंक अग्रवाल। दुनिया भर में 25.93 करोड़ हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 51.7 लाख अधिक लोगों की मौत। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com के साथ।